संचारी रोग नियंत्रण अभियान और शुक्रवार से दो दिनों के लिए शुरू हो रही लॉकडाउन प्रक्रिया के मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि शनिवार और रविवार को सभी सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं। इसके साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व्यापारियों की सहमति से बंद कराकर लॉकडाउन का पालन कराया जाए, जिससे कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्यों, कृषि कार्यों और उद्योगों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। बसों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा, लेकिन ट्रेनें चलेंगी। सब्जी मंडी, फल मंडी खुली रहेगी, लेकिन अन्य दुकानें बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दौरान साफ सफाई की व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ADG दवा शेरपा, DIG रेंज राजेश डी मोडक, जिलाधिकारी KVN पांडियन, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, CMO डॉक्टर SK तिवारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ध्यान में रख कर के विशेष रूप से बुलाई है हम सब जान रहे हैं कि लॉकडाउन के चार चरण में उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम चुनौतियों के बावजूद भी फील्ड में तैनात सभी जो टीम थी हमारी, उन सभी ने मेहनत किया और COVID-19 को काफी हद तक नियंत्रित भी करके रखा। पहली जून से अनलॉक की कार्रवाई प्रारंभ हुई और अनलॉक के पहले चरण में वो नहीं था जो कटा हुआ है, और फिर उसके उपरांत पहली जुलाई से द्वितीय चरण में अधिकतर गतिविधियां खुल गई हैं, और इन गतिविधियों के कारण अलग अलग क्षेत्रों में इन्फेक्शन भी देखने को मिले हैं। हम लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि NCR से जुड़े हुए गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिसकी चपेट में अनलॉक की कार्रवाई के बाद सर्वाधिक आए हैं, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ के साथ ही हमारे अन्य बड़े जो महानगर और जनपद हैं उनमें भी संक्रमण का फैलाव देखने को मिला है। संक्रमण के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सतर्कता अभी भी बहुत आवश्यक है। एक तरफ COVID-19 से हम जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ बरसात के कारण वेक्टर बॉर्न डिजीज की भी स्थिति बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। अभी डेंगू नहीं, लेकिन मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ कमिश्नरी का दौरा करके आया हूं, मैंने इस बात को वहां पे देखा है कि इंसेफ्लाइटिस फिर से वहां पर पैर फैला रहा है, और जिस प्रकार से बरसात हो रही है, हम लोगों ने जल जमाव, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को गंभीरता से नहीं दिया और ये कार्रवाई समयबद्ध ढंग से आगे नहीं बढ़ाई तो डेंगू का खतरा भी बहुत खतरनाक रूप में सामने आ सकता है। ये है सेकंड सैटरडे को अधिकतर हमारे कार्यालय बंद रहते हैं, परसों रविवार है, इन दो दिनों का उपयोग करेंगे तो संक्रमण को रोकने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। इसमें केवल बाजार बंद रहेंगे, चाहे वह नगरीय क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो या ग्रामीण हाट हो, इसको हम बंद रखेंगे। अपील करके व्यापारिक संगठनों से बातचीत करते हुए आप लोगों ने संवाद बनाया होगा, नहीं होगा तो
मुझे लगता है इस वीसी के बाद भी आप संवाद बना लेंगे, उनकी तरफ से स्वतः की अपील निकल जाए। एक बाजार बंद हो, बाजार बंद होने से सामान्य गतिविधियां 2 दिन के लिए नियंत्रित हो। फॉर्मेलिटी हम खुलवा लें, वहां पर सब्जी की आपूर्ति करने की व्यवस्था या सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर हम उसको संचालित कर सकते तो उसको हम संचालित करने की तैयारी करें। फल मंडी में भी यही व्यवस्था लागू करें, लेकिन शेष अन्य मार्केट हमारे बंद रहेंगे, लेकिन औद्योगिक संस्थान या औद्योगिक इकाइयों को हम पहले की स्थिति में संचालित करें। वहां पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करते हुए स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था करें। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा और कृषि से जुड़े हुए जितने कार्य होंगे वे सभी संचालित होंगे। परिवहन निगम की बसें बंद रहेंगी, लेकिन रेलवे स्टेशन पर जो यात्री आएंगे उन यात्रियों को लाने ले जाने के लिए हम इन बसें का उपयोग कर सकते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्वतः स्फूर्त भाव के साथ लोग एक अनुशासन के साथ जुड़े और उस अनुशासन के साथ जुड़ने के लिए कुछ अभियान प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है।